हेलो स्टूडेंट, आज हम फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे जो कि आर एच विटेकर ने दिया था। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायो सिस्टमेटिक एंड एवोल्यूशन का है। और ये आपको फ्रॉम द लोअर क्लासेस ऑफ बायोलॉजी अप टू द मास्टर लेवल आपको ये आता ही है। आर एच विटेकर जो थे वो अमेरिकन टैक्सोनॉमिस्ट थे। इन 1969 दे हैव डिवाइस फाइव किंगडम सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो फाइव किंगडम सिस्टम है इट इज़ ऑफ फाइव टाइप ऑफ किंगडम एंड ही स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड द वायरस। वायरस उसने निकाल दिए थे। और इसमें जो फाइव किंगडम दिए थे उसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया को लिया था। और दोस्तों जब आप पूरा पढ़ोगे एंड में आपको इतना क्लियर हो जाएगा, इसकी एक सिंपल एक ही ड्रॉबैक थी जो कि प्रोटिस्टा में आती है। प्रोटिस्टा को जस्टिफाई नहीं कर पाया, बाकियों को उसने बहुत क्लेवरली और इंटेलिजेंट वे में क्लासिफाई कर दिया। और उसके लिए उसने क्राइटेरिया रखे थे पांच। सबसे पहला क्राइटेरिया था सेल का स्ट्रक्चर। अगर सेल का स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, आई होप आपको पता होगा प्रोक्रियोट और यूक्रियोट क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो मेरे चैनल पे प्रोक्रियोट यूक्रियोट का वीडियो देख सकते हो। और प्रोक्रियोट या सिंपलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया डोंट हैव स्पेशलाइज सेल स्ट्रक्चर। सब सेलुलर ऑर्गेनेल आर एबसेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एबसेंट, सर्कुलर डीएनए अकर एंड दे आर ऑफ सिंपल टाइप। एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल आल्सो अकर, हैव कॉम्प्लेक्सिटी मोर देन द प्रोकैरियोट। और इसके हिसाब से इसने कैटेगराइज कर दिया। और इसमें मोनरा ही है जो प्रोकैरियोट में आते हैं, बाकी सारे यूकैरियोट में आते हैं। उसके बाद दोस्तों बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन देखें। ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया उसने ए सेलुलर। ए सेलुलर में प्रोटिस्टा को लिया। ए सेलुलर को ना तो सेल एक सेल कह सकते हैं, ना तो मल्टी सेलुलर। उसके बाद सेलुलर, यूनि सेलुलर, मल्टी सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सारे जो लेवल होते हैं ये हायर जाते हैं ऊपर तक। और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन लेवल बढ़ती है डैट इज़ मोर कम्प्लेक्स। जैसे हम आप एनिमल की बात करें, ह्यूमन बींग की, इट हैज़ ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वेरी मच डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड ह्यूमन। यू कैन सी द कॉम्प्लेक्सिटी, बॉडी बिल्डअप एंड अदर थिंग्स। ऑल्सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज थर्ड क्राइटेरिया। हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर ऑटोट्रॉप, नॉट प्रिपेयर हेटरोट्रॉप इंक्लूडिंग देयर सेप्टोट्रॉप, पैरासिटिक, दीज ऑल्सो हैव बीन कंसिडर बाई हिम। पैरासिटिक में फंजाई आ जाता है, प्रोटिस्टा पैरासिटिक में आ जाते हैं, प्लांट भी पैरासिटिक में के ही आ जाते हैं एज वेल एज एनिमल भी। ऑटोट्रॉप में मेनली आपको मिलेंगे प्लांट एंड प्रोटिस्टा के बारे में। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल होती है लोअर में, सेक्सुअल होती है हायर में। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, आपके प्रिमिटिव में क्या रिलेशनशिप है, जैसे यूनिसेलर से मल्टी सेलर बने, और ये सभी का रिलेशनशिप शो किया। जैसे मोनरा के बाद प्रोटिस्टा बने, देन फंजाई बनी, देन प्लांटी, देन एनिमलिया। इसको उसने वर इजी वे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल फाइव किंगडम के बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ मैं ये इस वीडियो में ये नहीं बता सकता डिटेल में कि कौन कौन से करेक्टर क्या क्या आते हैं, बट फाइव किंगडम के मैं नॉर्मल करेक्टर ले रहा हूँ जो आप समझ सकते हो। सेल टाइप मोनरा प्रोकैरियोट, बाकी सारे यूकैरियोट होते हैं। सेल वॉल मोनरा जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है डैट इज़ पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, सेलुलोज की नहीं होती है। प्रोटिस्टा में होती है, फंजाई में होती है, काइटिन की नॉन सेलुलर, बाकी प्लांट में सेलुलोज और इनकी नहीं होती। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट प्रोटिस्टा में और प्लांट में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया मोनरा में नहीं होगा। सेलुलर मेम्ब्रेन मोनरा में नहीं होगी। मल्टीसेलुलैरिटी पहले दो में नहीं होगी, बाकी सभी में होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर सेलुलर, उसके बाद मल्टी सेलुलर टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। मोटेलिटी कम होती है, एनिमल ज़्यादा मोटेलिटी शो करते हैं, बट दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन सच एज फ्लैजिलिन, ट्यूबलिन, इनमें मिलती जाती है। स्पिंडल प्रेटस बनते हैं सेल की मूवमेंट में, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट बनते हैं, दे प्रोवाइड मोटेलिटी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनरा है उसमें ऑटोट्रॉप, कीमोट्रॉप, हेटरोट्रॉप मिल जाते हैं, और प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, फंजाई में हेटरोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप, पैरासिटिक, प्लांट में ऑल आर ऑटोट्रॉप एंड एनिमल या हेटरोट्रॉप एज वेल एज दे आर पैरासिटिक। रिप्रोडक्शन जैसे जाएंगे मोनरा बैक्टीरिया में कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटिस्टा में सिनगैमी, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, ये वगैरह सारा होता है। फंजाई में डाई कैरियो
ये मेन फीचर है फंजाई का। और उसके बाद प्लांटी में कम्प्लेक्स टाइप, एनिमल में भी कम्प्लेक्स टाइप। नर्वस सिस्टम जो होता है प्रोटिस्टा में प्रिमिटिव होता है और एनिमलिया में वेल डिफाइंड होता है, बाकी सभी में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। तो दोस्तों ये थे थोड़े करेक्टर जो आपको जस्टिफाई करेंगे बिटवीन द फाइव डिफरेंट किंगडम रिहाइज बाय द आर एच विटेकर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नो यू कैन क्लियरली जस्टिफाई वाट आई एम सेइंग टू यू। दिस इज द फाइलेटिक ट्री गिवन बाय आर एच विटेकर। अकॉर्डिंग टू हिम फ्रॉम द बिगिनिंग प्रोटिस्ट प्रोकैरियोट या मोनेरा, ऑटोट्रॉफ, कीमोट्रॉफ, देन यूकेरियोट। यूकेरियोट के तीन आगे डिवीज़न निकली हैं, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया। ऊपर में जाएंगे तो इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसका एवोल्यूशन शो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। बट द लोअर दे हैव सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। यू कैन ऑल्सो रिजॉल्व माई प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम दिस डाइग्राम। द सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर फर्स्ट दैट हैज़ फॉर्मड इन एवोल्यूशन ए प्रोजीनोट। उसके बाद आपको यहाँ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारा जितना है ये मोनरा का है। उसके बाद इसकी क्लासेज निकली हैं प्रोटिस्टा, ये जो मिड में आ रहा है, इसमें सार्कोडीना, चिलोफोरा, जूमेस्ट्रीगोटा, मिक्सोमाइकोटा, स्पोरोजोआ, ये सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपके एनिमलिया, फंजाई एंड प्लांटी। एनिमलिया में आर्थोपोडा, एनालिडा, मोलस्का, साइनो, ये सारे आ जाते हैं। फंजाई में बस इडियोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, जिसके क्लासेज हैं। उसके बाद फंग प्लांट में एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारा आता है। तो ये उसने ट्री बहुत इजी वे में बताया था। सो फ्रेंड, इट वाज ऑल अबाउट आर एच विटेकर फाइव किंगडम सिस्टम। और लास्ट में इसके एडवांटेज देखें, एडवांटेज इसने बहुत क्लैरिफाई वे में बताया है, एवोल्यूशन को दिमाग में रखते हुए क्लेबलर वे में इसने जस्टिफाई किया है। और इसने न्यूट्रिशन के हिसाब से ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप के बारे में, रिप्रोडक्शन से बताया है। और इसने जो वायरस को निकाल दिया, फंगस से इसने जो अलग कर दिया स्लाइम मोल्ड को बड़ा इजी वे में। तो इसमें उसने मोनरा को प्रोकैरियोट में रखा, जो फुली जस्टिफाई कर देता है। और इसकी जो मेन डिसएडवांटेज प्रोटिस्टा में आती है, प्रोटिस्टा के सेवरल लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी एवोल्यूशन की। ऑटोट्रॉफ भी मिलते हैं, हेटरोट्रॉफ भी मिलते हैं, मिक्सोट्रॉफ भी मिलते हैं। तो प्रोटिस्टा ऐसा एक फाइलम किंगडम कह सकते हो, उसमें ना तो एनिमल में रख सकते हैं ना प्लांट में, ऐसे कई कन्फ्यूजिंग ऑर्गेनिज्म है। स्लाइम मोल्ड को फिट नहीं कर सकते प्रोटिस्टा में, बट उसने कर दिया। वायरस डो नॉट प्लेस एनी इन दिस सिस्टम। वायरस को सुने रखा नहीं, बट वायरस हैव देयर इंपॉर्टेंस, दे आर लिविंग थिंग। रेड एंड ब्राउन एल्गी नॉट रिलेटेड टू ईच अदर मेम्बर ऑफ द किंगडम प्लांटी। रेड एंड ब्राउन एल्गी का इतना कोई है नहीं है जो प्लांटी का करेक्टर बताएं। दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोकैरियोट। तो दोस्तों ये सारा जो वीडियो था मेरा फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में था, और ये प्लस वन के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। और जैसे जैसे आप अंडरस्टैंड करोगे आपका लेवल बढ़ेगा, आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट में थोड़े डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डायग्राम है मॉर्फोलॉजी है बैक्टीरिया की, इसमें आप इजीली जल्दी से देख सकते हो। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दी आर प्रोकैरियोट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इकोलाई बैक्टीरिया यू कैन ईजिली प्रज्यूम, बट आई हैव टोल्ड यू नो ऑर्गेनेली, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। दिस इज़ कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, मेथड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू कैन ईजिली प्रज्यूम फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम माई दिस कैप्शन। दिस इज यूग्लिना कामांद्रा प्रोटिस्टा, यू कैन सी इट्स मार्फोलॉजी करेक्टर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोटिस्टा, डेट इज पैरामीशियम कामांद्रा सिलिएटा। यू कैन सी इट्स मार्फोलॉजिकल एंड अदर करेक्टर्स। सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। एंड प्लीज़ टेल मी आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई आपको क्वेरी है प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको फर्दर जो वीडियो चाहिए कमेंट करिए। आई विल प्रोवाइड यू शॉर्टली। थैंक यू वेरी मच एंड गुड।